ਸੰਮਤ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਜ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਰ ਦੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੇਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ 2.0 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। बिल्कुल अमृता, 10 मार्च की जेकर गल की तो 5 राज्यों के जोड़े रुझान ने वो आते हैं, जिस कांग्रेस बहुत थोड़ी सीटों के उत्ते सिमट के रह गई है। तो जेकर गल करते हैं पंजाब की, तो पंजाब 18 सीटों के उत्ते कांग्रेस जी सिमट के रह चुकी है। आप सारे ने देखा है कि वोटों तो पहला किस तरह नाल कांग्रेस के आपसी जोड़ा काटो कलेष है वह लग्या पिया, यह जिहड़ा काटो कलेष हुण वोटां तों बाद भी किते रुकण दा नाम नहीं ले रहा। जिस तरह नाल पहला नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ट्वीट करते हुए अपनी सरकार ते निशाने साधदे सन, तां उत्थे सुनील जाखड़ अपनी शायराना अंदाज दे विच अपनी सरकार नूं लगातार घेरदे नजर आए। वोटां दी पहला दी गल कर ली, जे वोटां तों बाद दी गल कर लईती जावे तां वोटां तों पहला जरूर इस कलेष दा जिहड़ा फायदा है वह आम आदमी पार्टी ने चुक्या, जिस नाल आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच 92 सीटां हासिल करन दे विच कामयाब हुई है। तां किते ना किते कांग्रसी के अंदरूनी कलेष ने पंजाब वासियों को दुचित्ती दे विच पा दिता सी कि जिहड़ी पार्टी अपना कलेष नहीं सुलझा सकती तो पंजाब के मसले कित्थे सुलझाएगी। लोगों के एक धारा बन चुकी सी कि पंजाब दे विच कांग्रेस अपना कलेष नहीं खत्म कर पा रही है, तो उत्थे ही पंजाब दे मसले कित्थे खत्म कर पाएगी। तो कितना कितने इस चीज़ का सारी का फायदा जिहड़ा आम आदमी पार्टी मिले, जिस करके उन्होंने 92 सीटा मिली ने, पर उस तो बाद दे विच भी वोटों तो बाद दे विच भी कितना कितने कलेष घटन की बजाय होर वाधा हुआ विखाई दे रहा है। लगातार सुनील जाखड़ ने वो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह उत्ते इल्जाम ला रहे हैं, उत्थे ही बसी पठाणा के सबका विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी वो भी लगातार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उत्ते निशाने साध रहे हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपनी पार्टी के उत्ते चाहे उत्ते सुखी रंधावा हो, चाहे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने बयान के कहा कि 3 तों 4 मुख्यमंत्री जो नवजोत सिंह सिद्धू को हराना चाहते सन वो आप ही इस वक्त हारे पे ने। तो इस दे नाल ही सुखजिंदर रंधावा ने भी कल एक जी मीडिया के उत्ते बयान दिता है, तो कहा है कि ठोको ताली ने कांग्रेस ठोक के रख दी है। तो कितने ना कितने वड्डे जिहड़े बयान ने आपसी जिहड़ी खाना जंगी है हाले तक जिहड़ी सुलझदी हुई नज़र नहीं आ रही, पर सुनील जाखड़ ने एक साफ तौर पर गल कही है कि खाना जंगी खत्म होनी चाहिए है, कांग्रेस नूं दुबारा रिवाइव करना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर भला भी इसे दे विच है कि हुण आपस च एक दूजे नाल खेबड़न की बजाए एक दूजे नूं समझा के एक दूजे का साथ लैके पार्टी एक बार फिर तो चिंतन करे ते एक नवे रूप च उभरे। बहुत शुक्रिया समत इस जानकारी दे लई।